कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी प्रॉपर्टीज हो गई थी ना सारी। इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी प्रॉपर्टीज थी जरा देखो तो एक बार। मैं एक बार छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ, ठीक है? दो दो 3 मिनट लगेगा, ठीक है? तो तुम्हारा एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? मैं बोलता चला जाता, तुम सुनते चले जाना। हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है स्पाइडर जैसे जाला बनाता है, वैसे एक चार्ज अपने अराउंड एक जाला बनाता है। जो जाला जो बनाता है ना स्पाइडर, थ्री प्रॉपर्टी करवाई थी, ठीक है? ये जो जाला जो बनाता था, ठीक है, उसको हम लोग जो चार्ज जो जाला बनाता है उसको हम लोग कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का दो इम्पोर्टेंस था। पहला कि वह एक्सप्लेन करता था कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स को, कि पहले एक चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, फिर वो किसी दूसरे चार्ज पे फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है। ये टू टू स्टेप प्रोसेस होता है। पहले फील्ड का बनना होता है, फिर फील्ड का फोर्स लगाना होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्लेन करता था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को। फिर मैंने तुमको बताया था कि एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ ये चीज कि मान लो कहीं पे अगर हमने मोबाइल फोन बजाया, ठीक है, तो मोबाइल फोन जो होता है दूसरे फोन की घंटी कुछ सेकंड बाद, कुछ थोड़े से समय के बाद बनती है। क्यों बनती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने जब फोन मिलाया तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ स्पीड से ट्रेवल करती है जिसको कुछ समय लगता है। जब वो दूसरे फोन पे जाके गिरेगा तो वहां पे जाके उस फोन को बजाता है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो टाइम डिले होता है ना, वो किससे एक्सप्लेन होता है? आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सप्लेन होता है, ठीक है? फिर मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक रियल फिनोमिना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमारे फोन को बजा सकता है, लाइट को जला सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा। उसके बाद हमने आगे सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमने हमने एक चीज देखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं। उस सिंबल को हम दिखाते हैं एरो से, ठीक है? तो जो एरो होता है दैट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने सीखा था कि जो उसको हम लोग कहते हैं, उस एरो को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है? अब आगे समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। जिधर जिधर भी एक शायद मैंने एक पॉइंट लिखा है, नहीं था तुम लोग को, लेकिन तुम लोग अभी कॉपी में लिख लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा नाम होता है। क्यों इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं? बिकॉज देखो, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पे अगर हम चार्ज को रख देंगे तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इसलिए जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स होता है, इसलिए हम उस फील्ड लाइंस को बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। लेकिन याद रखना कि ऐसी कहानी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी जो चार्ज को रखेंगे तो उस पर फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में नहीं लगता है, कुछ अलग डायरेक्शन में लगता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को हम लोग कभी भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज नहीं बोलते। ये चीज तुम लोग जाकर के सीखोगे चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर नॉट कॉल्ड एज मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज, ठीक है? अब आगे हम बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसी होती है, वो इमेजिनरी लाइंस होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है रियल होता है, ठीक है? तो हमने कुछ प्रॉपर्टी सीखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की। पहली प्रॉपर्टी थी कि वो स्टार्ट करता है पॉजिटिव चार्ज से या इन्फिनिटी से, और वो जाके खत्म हो जाता है नेगेटिव चार्ज या इन्फिनिटी से, ठीक है? दूसरी बात हम लोग को मैंने बताई थी कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज होता है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। अगर ये इंटरसेक्ट कर जाए मतलब उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन होते हैं। इसका मतलब उस पॉइंट पे अगर हमने किसी चार्ज को रख दिया तो वो दो डायरेक्शन मूव करेगा, लेकिन हमको पता है कि कोई भी एक चार्ज एक ही मोमेंट पे दो डायरेक्शन मूव नहीं कर सकता है, इसलिए वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है? मैंने तुमको पहली प्रॉपर्टी सिखाई थी, ठीक है? उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी सिखाई थी, वो प्लस क्यू से निकलेगा, ठीक है? फिर मैंने तुमको बताया था कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है? फिर तीसरी प्रॉपर्टी तुम लोग को मैंने बताई थी कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज होती है वो जितनी पास पास होती है वहां पे फील्ड कैसा होता है उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है? यहाँ फील्ड वीक होगा लेकिन यहाँ पर फील्ड कैसा होता है स्ट्रांग होता है, क्योंकि यहाँ से दो पास हो रही है, यहाँ से एक ही पास हो रही है। अगर हमने कभी भी इक्वली स्पेस्ड लाइन दिखा दिया अगर इस तरह से ऐसे करके पैरेलल लाइंस, ये लाइन के गैपिंग सेम होगा, ठीक है? तो हम कहते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे गैप कैसा बराबर है और क्या कहते हैं लाइंस भी कैसी पैरेलल है, ठीक है? दिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। उसके बाद हम लोग को मैंने बताया था कि
चौथी प्रॉपर्टी ये थी कि मान लो कोई भी कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे हम लोग करते हैं उसके अंदर क्या होता है, चार्ज का पोलराइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से चार्ज एक कोने में जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है कुछ इस तरह से मिलती है। ठीक है, चौथा पॉइंट ये था, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि हमारा मोबाइल का टावर ना ट्रेन के अंदर आता ना लिफ्ट के अंदर आता, बिकॉज वो पूरा पूरा मेटल का बना होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि जब बिजली गिरती है तो सबसे सेफ प्लेस क्या होता है, कार होती है। पांचवा पॉइंट तुम लोग को मैंने समझाया था, पांचवा पॉइंट क्या था याद है कि कोई बताओ ना एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये मैंने सिखा देता तुम लोग को ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, दे हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था, तो बताओ तो, दे टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंथ, सर, नहीं बताया था। नहीं तो दो पॉइंट और कौन से थे रचित, बताना एक बार मेरे को। क्लोज लूप नहीं बनाता, एक तो वो वाला था। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं फॉर्म करता। मैंने इसका रीजन भी एक्सप्लेन किया था कि अगर क्लोज लूप फॉर्म करेगा तो प्लस क्यू से चार्ज निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और उसी में जाके वो एंड कर जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको पता है कि क्यू से खाली निकल सकता है, एंटर नहीं कर सकता है। और दूसरी बात मैंने बोला था कि राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, इसलिए ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। और मैंने क्या बोला था, सर वो टेंजेंट वाला। हाँ, कि अगर मान लो कभी भी अगर प्लस क्यू है माइनस क्यू है, ठीक है, तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा ऐसे जाता है, यहाँ पे किसी चार्ज पर रखा अगर हमने, तो वो हमेशा अलोंग टेंजेंट मूव करेगा। ठीक है, ये हमने छह प्रॉपर्टी देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया रिविजन हो गया। ठीक है, तुम एक बार ध्यान से देख जाओ जो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया, ठीक है, ये मैंने तुम लोग को सब लिखवाया भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेवन प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेन टू कॉन्ट्रैक्ट लाइक इलास्टिक, लाइक स्ट्रेस्ड इलास्टिक स्प्रिंग, लाइक स्ट्रेस्ड इलास्टिक स्प्रिंग, दिस एक्सप्लेन, ये तो मुझे नोटबुक पे नोट करना, ठीक है, दिस एक्सप्लेन अट्रैक्शन ऑफ, सर ये प्रॉपर्टी है। हाँ देखो, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमेजिनरी होती है। ठीक है, हमने कोई चार्ज की प्रॉपर्टी को कुछ हमको एक्सप्लेन करना था, तो हमने क्या बोल दिया कि उसकी ऐसी प्रॉपर्टी होगी, है इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, कल्पना है हमारी, उस कल्पना वाली चीज को हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी देते हैं। ठीक है, कि वह ऐसा होगा वैसा होगा, अट्रैक्शन ऑफ, कैसे, और तुमने मूवी देखी थी ना बाहुबली, ठीक है, बाहुबली मूवी में क्या था, वो जो 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 बाहुबली का जो बेटा था, ठीक है, उसके सपने में पहले वो लड़की आती है, वो देखता है, उसको कल्पना करता है वो ऐसी होगी, कितनी सुंदर होगी, ठीक है, उसके ऊपर के ऐसे तितली उड़ रही होगी, उसके आजू बाजू ब्लू कलर की ड्रेस पहनी होगी, ठीक है, तो कल्पना थी, लेकिन कल्पना में भी कितने सारे कैरेक्टर ठीक हो जाती है ना। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी, ठीक है, कल्पना वाली चीजें, लेकिन हमने इसको कैरेक्टर ठीक देख के रखी है ताकि हम लोग अपने काम की चीजें इससे एक्सप्लेन कर सके। दिस एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस, ठीक है, जैसे देखो कोई रबड़ चीज, रबड़ को जब तुम खींच के लंबा करते हो तो वो क्या करता है, वो चाहता है छोटा हो जाए ना, जैसे स्प्रिंग को खींचा तो वो चाहता है कि वो ऐसे लंबा था खींच करके, वो चाहता है कि छोटा हो जाए सर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ ऐसी होती है, मान लो प्लस क्यू है माइनस क्यू है, और ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या चाहती है कि हम छोटा हो जाए। ठीक है, अगर ये छोटा होना चाहेगी तो ऑब्वियसली बात है छोटे कैसी होगी, छोटा तब होगी जब प्लस क्यू माइनस क्यू नजदीक आएंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि छोटा होना चाहती है, तो ये क्या एक्सप्लेन करता है, अट्रैक्शन ऑफ द अपोजिट चार्जेस।
उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल ईच अदर इन डायरेक्शन, वर्ड के लिखा मैं लिखवा देता हूँ, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लेंस, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लेंस, दिस एक्सटेंड रिपल्शन ऑफ। तो ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये ऐसे पॉइंट्स लिखने के लिए नहीं आते, लेकिन ऐसा पूछ लेगा कि विच प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सपीरियंस रिपल्शन ऑफ चार्ज। तो हम देख सकते हैं दे टेंड टू रिपेल ईच अदर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ठीक है, दिस एक्सपीरियंस रिपल्शन ऑफ सिमिलर चार्ज। जैसे मान लो अगर प्लस, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी ऐसे जाती है, इसकी ऐसे जाएगी, इसकी ऐसे जाएगी, क्या होता है इसकी तुम अगर ध्यान से देखो ना, इसकी लेंथ कैसी है, इसकी लेंथ ऐसी है, इसकी लेंथ कैसी होगी, टेंजेंशियल ऐसी होगी। ये क्या करती है, इसको इधर धक्का देती है, और ये क्या करता है, इसको इधर धक्का देता है, दे टेंड टू रिपेल ईच अदर इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लेंथ, वे इज लेंथ, दिस इज लेंथ टेंजेंट, ठीक है, ऐसे एक दूसरे को धक्का देती है। अब सीधी सी बात है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ क्या जुड़ा हुआ है, चार्ज जुड़ा हुआ है, अगर इसको धक्का मिलेगा तो इसको भी जो धक्का मिलेगा ना, ये भी क्या होगा, दूर जाएगा, और ये भी क्या होगा, दूर जाएगा। दिस एक्सपीरियंस रिपल्शन ऑफ सिमिलर चार्ज, इमेजिनरी चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हमने देखा कि साइंटिस्ट को बोला गया, देखो चार्ज रिपेल होते हैं, कैसे एक्सप्लेन करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो उन्होंने बोला चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को प्रॉपर्टी दे दो, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने ही इमेजिन की है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी दे दो, दे दी गई। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट हो गया था, एट नाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम इसमें से बताओ, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इससे 2 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, गारंटीड है, इलेक्ट्रिक चाहे बोर्ड हो, चाहे नीट हो, चाहे तुम्हारा किस पे हो, आईटी का हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है, इसका प्रूफ क्या देख लो, मान लो कैसे कंडक्टर है यहाँ पे मेटल का, इसके पास चार्ज हमने दे दिया, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर हमने मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा ऐसे अप्लाई कर दिया, मान लो कि ये एंगल जो है ना, ये कंडक्टर है ए बी, ये एंगल मान लो बात थीटा है, ये एंगल थीटा, ठीक है, ये ई है, ये चार्ज यहाँ पे रखा हमने क्यू, अभी इन इलेक्ट्रो हमको पता है कि इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये जो चार्ज है ना अपनी जगह से हिलेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जब हम चैप्टर पढ़ते हैं उस इलेक्ट्रोस्टैटिक में मतलब ही है स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, ठीक है, ठीक है, तो हमको पता है चार्ज मूव ही नहीं करेगा अपनी जगह से, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
चार्ज इज you will not move tangentially. This implies that QE cos theta equal to 0. This implies that cos theta equals to 0. Theta equals to 90 degree. Cos theta का 0 है तो theta कितना होना चाहिए? 90 degree होना चाहिए ना? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे थे कंडक्टर्स के परपेंडिकुलर इस पे बताओ बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कैसे आते हैं देखो बोला जाएगा चार्ज प्लस क्यू है यहाँ पे एक प्लेट पड़ी हुई है मेटल की तो बताओ इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी बहुत लोग छुट्टी हो रहे आज भूमि पूजा तो मैसेज आया था मेरे पास अब आगे देखते हम लोग थीटा इक्वल्स 90 डिग्री अच्छा मैं क्या बताता हूं यहां प्लस 2 है यहां ना एक हमने मेटल की प्लेट रखी है तो क्या होगा मेटल की प्लेट मान लो अगर ऐसी है बोला जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फिगर ड्रॉ करो तो हम क्या करेंगे ऐसे करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई देखो एग्जाम में आता दो मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना होगा तो हमने ऐसा ड्रॉ किया प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा निकलती है ना अब ये देखो ये कैसे जा रहा कंडक्टर के परपेंडिकुलर जा रहा देख लो ऐसे दिखा देना ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि बच्चे को आता है ठीक है 90 डिग्री पे जाकर अब यहां से यहां पे प्लस था यहां माइनस दिखा देंगे और यहां से क्या होता है यहां पे माइनस आएगा यहां प्लस हो जाएगा जो मैंने तुमको बता के रखा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी नहीं होता ठीक है अब यहां से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी कंडक्टर के परपेंडिकुलर होगी देख सकते हो ऐसे करते हम इसको निकलते हुए दिखा देंगे दिस इज आवर फिगर ठीक है ये हमारा इस पॉइंट का एप्लीकेशन होगा प्रूफ भी आ सकता है दो मार्क का इसके एप्लीकेशन भी आ सकते हैं एक मार्क दो मार्क के ठीक है तो फटाफट नोट कर दो ओके लिखा होगा नोट्स अच्छे से रेडी करके रखना सबको इसमें प्रॉपर्टीज हो गई है और कुछ ज्यादा प्रॉपर्टीज तो नहीं है और एक छोटी सी प्रॉपर्टी है दे आर कंटिन्यूअस
जी यार सर एक मिनट स्लाइड बैक करो ना। हो गया सर या कंटिन्यूअस विदाउट ब्रेक, ऐसा नहीं होता कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ना वो कुछ इस तरह की बने। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मस्त चल रही चले चले और बहुत थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बंद हो जाता है, ठीक है, फिर आगे ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये ऐसा होता मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, अचानक से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो जाएगी। हाँ कंडक्टर हो बना दो तो अलग बात, ऐसे वैक्यूम में जा रही है थोड़ा बहुत थोड़ी ऐसे यहाँ रुक जाएगी फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो दे आर कंटिन्यूअस विदाउट ब्रेक। अब सुनो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, कुछ कुछ मैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूँ इसके। मुझे तुमको बताना है कि एक चार्ज है यहाँ पे Q1, एक चार्ज है यहाँ पे Q2। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है, इसको ऐसा दिखाएगा, ठीक है। तुमसे क्या क्या सवाल पूछे गए, देखो पहला सवाल क्या, तुम्हें चार ऑप्शन दिए गए और मोर देन वन करेक्ट है, तुम्हें बताना सही कौन से हैं। वेक्टर इज जीरो, ये जीरो है, ठीक है। राइट ऑफ Q2 ई वेक्टर इज जीरो टू लेफ्ट ऑफ Q1, ठीक है। मुझे बताओ ये मोर देन वन करेक्ट है, इसमें से तुम्हें क्या लगता है कौन से इसमें सही है, सोचो जरा बताओ मेरे को। सबको हो गया आंसर, सोचो ध्यान से। 1, 2, 3, 4 में कोई दो आंसर सही है, तुम्हारे हिसाब से कौन से दो सही है? बुद्धि चलाओ अपनी। ओके रचित, ठीक है। दूधी चेक करो एक बार आंसर अपना। ओके पूजा, पूजा सही है, उवेश सही है, ठीक है। बाकी लोग की तो आंसर देखो, Q1 से क्या कितनी लाइन निकल रही है, 1, 2, 3, 4, 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
Q2 कैसा होगा, छोटा होगा, है ना, Q1 बड़ा होगा Q2 से, क्योंकि यह Q1 से ज्यादा निकल रही है। अब देखो एक बात समझ लो, Q1 पॉजिटिव होगा, Q2 नेगेटिव होगा, ये प्लस है ये माइनस है। अगर Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, Q2 छोटा भी है, अब तुम लोग को मैंने क्या ये रूल बता करके रखा हुआ है कि कभी भी मान लो अगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो जीरो तब होगा, मतलब अगर मैंने चार्ज को रखा तो वो जीरो फोर्स तब एक्सपीरियंस करेगा चार्ज, अपोजिट चार्ज में, जब वो बीच में नहीं होना चाहिए, शुड बी नियर द स्मॉलर चार्ज। याद है मैंने बता के रखा था रूल
लंबा लंबा मैंने पहले पढ़ाया था, फिर मैंने जाकर शॉर्ट पे तुम लोग को क्लियर कर दिया था कि याद रखना कि अगर कभी भी दो अपोजिट चार्जेज होते हैं तो अगर सिमिलर चार्ज होते हैं तो उनके बीच पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है या बीच पे फोर्स जीरो लगता है, और अगर अपोजिट होते हैं तो इट इज नियर द स्मॉलर चार्ज एंड नॉट इन बिटवीन देम। तो यहाँ पे यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो ये जीरो टू राइट ऑफ सबको समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तुम्हें करने आना चाहिए। अच्छा, अब तुम्हारे सामने मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको नोट कर जाओ पहले। क्वेश्चन है ये, कौन सा सही है बताना, ठीक है मुझे। ए बी सी पे पॉजिटिव चार्ज है, सब बता सकते हो, बताओ तो कौन सा सही है इसमें। एक झलक में तुमको समझ में आना चाहिए। वन टू थ्री फोर, ए बी सी पे पॉजिटिव चार्ज है, मुझे बताओ कौन सा सही है। वन टू थ्री फोर, एक झलक में तुमको देख के समझ में आना चाहिए। निश्चित चेक करो एक बार, सोचो तुमने क्यों बोला वन। बाकी लोग बोलो आंसर, सबको सबको आंसर दोगे। सबको दोगे आंसर, ओके ठीक है, ऐसे होगा जो भी नहीं। ओके जय सही है जेसिका, पूजन सही है, ओके सही है। देखो सीधी सी बात है, ए तो हो, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर नहीं सकता, तो ये गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, यहाँ पे क्लोज लूप आ रहा है, दिस इज रॉन्ग। यहाँ तो पूरा का पूरा क्लोज लूप ही आ रहा है, दिस इज रॉन्ग। ये सही आ रहा ना, प्लस से निकल रहा है, प्लस से निकल रहा है, प्लस से निकल रहा है, कोई भी क्लोज लूप नहीं है, दिस इज करेक्ट। ठीक है, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन लास्ट ले लेते हम लोग। एक तुमको मैं पहले पॉइंट बता देता हूं, कोई भी स्फीयर होता है ना अगर, ठीक है, तो उस पर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, समझो ये ऐसे टेंजेंट हो गया तो नॉर्मल कैसा होता है, रेडियस होता है ऐसा। यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, रेडियस ड्रॉ कर दो। कोई भी स्फीयर में अगर मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, दिस इज नॉट नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल कैसा होता है, एक ऐसी लाइन जो कि उसके क्या कहते हैं सेंटर की तरफ जा रही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, थोड़ा इसी से रिलेटेड था। चार स्फीयर है, एक दो तीन, और बुद्धि चलानी है अपनी सबको। लोग आंसर सही दे रहे हो, तुम लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही से बताओगे, ठीक है। ये
सब मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, कैसे है, मेटेलिक स्फीयर है, बताओ कौन सा डायग्राम सही है। वन टू थ्री फोर सबको बोलोगे? हाँ मेटेलिक स्फीयर है। रचित चेक करो, कश्यप चेक करो, जेसिका चेक करो, नहीं हुए पूजन सब गलत सलत बता रहे हो। हाँ ये सही, पूजन ने सही बोला है, वो भी वेरी गुड आ रहा है। रुद्र सही नहीं, सही नहीं है। चलो तो देखो, मैंने तुमको अभी बताया था कि ये परपेंडिकुलर नहीं होता है। परपेंडिकुलर वो लाइन होती है जो कहाँ से पास होगी, रेडियस से। देखो ये तो सही नहीं है बिकॉज ये परपेंडिकुलर नहीं है। और मैंने बोला था कि मेटेलिक मेटेलिक कंडक्टर के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो दिस इज रॉन्ग, ये तो गलत होगा ही होगा ना, परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेटल से कभी पास ही नहीं हो सकती, ये भी गलत। यहाँ पे अगर फोर्स देखा जाए तो ये देखो ये क्या, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर तो है, यहाँ पे देखो रेडियस से पास होते हुए दिख रही है, लेकिन मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती, इसलिए ये भी गलत। और यहाँ पर देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी जा रही है, ये पास हो रही है रेडियस से, मतलब ये कैसी आ रही है, देखो ये थोड़ा मैं टेढ़ा बना दिया, देखो यहाँ पे टेढ़ा बना, क्यों बनाया मैंने टेढ़ा, ताकि दिखाने के लिए, देखो ये रेडियस बन करके पास हो रही है। यहाँ देखो मैं थोड़ा टेढ़ा बनाया है, देखो यहाँ पे जानबूझ के मैंने टेढ़ा बनाया था, देखो यहाँ पे देखो कर बनाया मैंने यहाँ पे, क्योंकि रेडियस से पास हो रही है। देखो मैंने कैसे इसको रेडियस से पास होते हुए बनाया, देखो कैसे 90 डिग्री बनेगा। यहाँ देखो मैंने कैसे इसको बनाया रेडियस से पास होते हुए, ठीक है, तो इस ये 90 डिग्री पे भी है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, देखो मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया, तो दिस इज करेक्ट। आया सबको समझ में थर्ड पॉइंट क्यों होगा? बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर एंड सेकेंड इन साइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, मैंने लिखा है, देखो ना मेटेलिक स्फीयर, मेटल क्या कंडक्टर होता है ना, ये वाला देखो। समझ में आया सबको कि नहीं आया, बोलो हाँ आना, ये कुछ बच्चों ने गलत किया था, ठीक है, और सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये सवाल बताओ आई आई टी का हुआ है, ठीक है, और रूबी ने बताया आंसर सही और शायद से पूजन ने बताया, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हमारा ये टॉपिक जो है ना, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया हुआ है, और तुम देख सकते हो कि इसमें से कैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे गिव रीजन आ सकते हैं, ठीक है, ऐसा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा नया टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, दिस इज आवर न्यू टॉपिक। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, एकदम सिंपल भाषा में, दो चार्ज ले लिया हमने, ऑपोजिट नेचर का है, इनके बीच में हमने कुछ सेपरेशन क्रिएट कर दिया, कुछ दूरी क्रिएट कर दी, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल, सिंपल का मतलब। तो मैं लिख देता हूं, चार्ज इक्वल होने चाहिए, ऑपोजिट नेचर के होने चाहिए, उनमें कुछ सेपरेशन होना चाहिए, ठीक है, तीन बात, टू इक्वल, दिस इज आवर न्यू टॉपिक, ठीक है, और इलेक्ट्रिक डायपोल से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, कुछ एक दो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डायपोल से इसके आने की चांस 90% है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय बाय अ डिस्टेंस
separated by some distance. Make a type. ठीक है, इसके बाद इसका जो हम डिस्टेंस लेते हैं ना, वो लेते हैं 2L लेते हैं, ठीक है। और इसका जो बीच वाला पॉइंट होता है ना, इसको हम लोग सेंटर लिखते हैं, सेंटर, ठीक है। और मान लो कोई अगर हमको कोई पॉइंट है यहाँ पे, मान लो अगर x, तो हमसे पूछा जाएगा कि इसकी दूरी डायपोल से कितनी है। तो इश्यू क्या है कि डायपोल से दूरी कितनी है, तो प्लस q से इसका डिस्टेंस अलग होगा, माइनस q से इसका डिस्टेंस अलग होगा। तो हम इसका डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं। हमने बोल दिया कि मान लो ये पॉइंट, मान लो एक बात एक्स के लेते पी ले लेते, ठीक है। ये एक्स से लेते, ठीक है। तो हमेशा डिस्टेंस कहाँ से नापते हम लोग, सेंटर से नापते हैं। अब देखो हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि हमने डायपोल के जो दो चार्ज का जो डिस्टेंस है वो हमने 2L क्यों लिया। क्योंकि सोचो अगर मान लो मैंने, मेरे से पूछा जाएगा कि P की दूरी प्लस Q से कितनी है, तो ये पूरी लेंथ अगर मान लो मैंने L ली होती तो ये आधी L by 2 हो जाती, तो ये डिस्टेंस हो जाता है x माइनस L by 2। अब जब L by 2 आता है तो उसकी कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। यही कारण है कि हम लोगों ने क्या ले लिया है, 2L ले लिया, ताकि अगर ये 2L होगा तो ये L हो जाएगा। प्लस क्यू से दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस एल हो जाएगी। माइनस क्यू से दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस एल हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की एक्स है, तो यहाँ से एक्स प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो हमको डिस्टेंस मिलता है ना, ठीक है, प्लस क्यू से माइनस क्यू से, ठीक है, उसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज वाई वी टेक द डिस्टेंस एज 2L। अच्छा, ये तुम लोग को समझ में आना चाहिए। लिख देता हूं इन डायपोल, कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैं लिख देता हूं, और वो पॉइंट करके ना तुम लोग उसको नोटबुक में नोट कर जाना, या पहले इसको नोट कर लो अभी, और क्लास खत्म होगी फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और सबको ज्वाइन करोगे, कोई मिस नहीं।